इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों फैराडे के नियम के बारे में। फैराडे का नियम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और हमारा चैलेंज है इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों इसे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों इसकी खोज माइकल फैराडे ने सन 1831 में किया था। तो दोस्तों इस वीडियो को हम प्रैक्टिकल के रूप में जानेंगे, प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों, ताकि कभी भी आपको परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा हम जान लेते हैं। परिभाषा है दोस्तों किसी बंद परिपथ में, जी हाँ किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह उसके परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो दोस्तों अभी हम इसे जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए और हम जान लेते हैं दोस्तों कि इससे संबंधित आपके कहीं भी जाएंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं प्रैक्टिकल करके कि किस प्रकार से फैराडे का नियम क्या हमें कहता है। तो दोस्तों फैराडे के नियम के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें कॉपर की कुंडली चाहिए। आप कॉपर की कुंडली देख रहे हैं, जो लपेट कर रखा गया है कॉपर का वायर, उसे हम कॉपर की कुंडली कहते हैं। और साथ साथ आप हाथों में जो देख रहे हैं बैटरी नुमा, वह आपका चुंबक है दोस्तों। और करंट नापने के लिए हमने वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ताकि हमें पता चल सके। तो आइए हम अब यहाँ पे देख रहे हैं, हम सिंगल कुंडली में जो है अगर मैग्नेटिक को अंदर ले जा रहे हैं तो धारा बहुत ही कम बह रही है, अर्थात आप देख रहे हैं जो कांटा है वो ज़्यादा नहीं जा रहा। अब हम जो है कुंडलियों की संख्या बढ़ा देते हैं, लपेटों की संख्या बढ़ा देते हैं, अब हम धारा में देते हैं। तो देखते हैं आप कुंडली की संख्या बढ़ाने से यहाँ पर धारा जो है बढ़ गई, अर्थात इससे या हमें समझ सकते हैं कि कुंडली की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी धारा उतनी ही ज़्यादा परिवर्तित होगी, जबकि चुंबक वही है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम आइए साथियों टर्म की संख्या और ज़्यादा बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं, अब हम टर्मों की संख्या जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बढ़ा दी है। अब देखते हैं कि चुंबक वही है, वाओ कितना ज़्यादा आप देख पा रहे हैं करंट जो है परिवर्तन हुआ, और जैसे हम चुंबक को जल्दी से ले जा रहे हैं तो धारा भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इससे यह साबित होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर कुंडली आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप बगल चुंबक देख रहे हैं, ऊपर वोल्टेज मीटर और बल्ब लगा। अब हम अंदर लेके गए, आप देख पा रहे हैं धारा जो है प्रवाहित हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब रुक गई, अब चुंबक अब हम रोक दिए हैं तो धारा भी बहना रुक गई। तो इसके लिए हमें यह चाहिए कि हमेशा जो है चुंबक को आगे पीछे करते रहें, ताकि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हो, तभी जो है विद्युत आएगी। अब हम क्या करते हैं, पोलों को देखते हैं कि पोल परिवर्तन करने पे क्या होता है। अब हम नॉर्थ पोल को ले आए, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जैसे अंदर ले गए तो लेफ्ट की तरफ कांटा गया, अब हम चुंबक को आगे लेके जा रहे हैं तो अब देखिए राइट की तरफ आ गया। अब हम फिर से चेक करते हैं पोल को बदलकर, अब हम साउथ वाले पोल को आगे लाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। अब हम साउथ वाले पोल को आगे कर लिए, अब हम देखते हैं, आप वोल्टेज मीटर पे देखते रहिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से उल्टा परिवर्तन हो। यहाँ पे देखिए आप राइट पहले गया, अब देखिए अब फिर से आपका लेफ्ट परिवर्तन हो गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि धारा चुंबकीय का पोल अगर परिवर्तन हो तो धारा का मान भी उल्टा हो जाता है। तो आइए और हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं अगर डेल्टा टी समय में, मतलब जब समय में थोड़ा परिवर्तन हो, थोड़े समय में अगर किसी परिपथ में जो है चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वह 5 वेबर, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, तो परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होगा दोस्तों वह आपका E=∆5W/∆t होगा। अगर इसके साथ साथ हम और क्या लिख सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि यदि परिपथ में एक कुंडली के रूप में है, जो परिपथ है कुंडली के रूप में, अभी हमने आपको कुंडली के रूप में दिखाया था, अगर परिपथ उस प्रकार है तो तारों के फेरों की संख्या, अभी जिस प्रकार से हमने फेरों की संख्या दिखाया, तब उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका सूत्र क्या होगा उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। तो उस समय जो सूत्र होगा दोस्तों आप उसे लिख सकते हैं E=N, आप जो है प्रोपोर्शनल को हटा दिए तो वहाँ पे के स्थिरांक आया था, तो एन फेरों की संख्या की बात की गई तो के की जगह पर हम एन फेर लिख दिया, अर्थात एन उसके बाद D5V/dt। आप इस सूत्र को लिख सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।